ये अर्पित तुम्हारा है। अच्छा जी, अल्ले गाइस कृष्णा की हो गई। छोड़ो वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 11 या फिर 10 बज रहे हैं और अभी मैंने व्लॉग बड़ी जल्दी से चालू कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा दीवान पड़ा था ये तो बेड की तरह लगता है। ये दीवान दूसरे बाहर वाले गमले में, वो अंदर ही कमरा है, ये बाहर वाले बाहर वाले गमले में, बाहर वाले कमरे में ये दीवान रखा था तो इसी का ये मैंने ये खोल लिया यहाँ पे। ऐसे करके यहाँ पे कुछ सा ऐसे करके खोल दिया तो वहाँ पे पड़ा है। जब सारा सामान हो जाए, सारा काम हो जाएगा उसके बाद इसको बंद कर देंगे। वैसे तो अभी ठंडी आ रही है ना तो उसी के लिए सारी जैकेट वैकेट सारी निकालनी है। और वहाँ पे पीछे गुड़िया मौसी बैठी आई है, मेरी मम्मी की बहन, इनकी बहन। मम्मी आपकी बहन आई है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप मम्मी अपनी बहन से मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मेरी स्वांग की और दादा की स्वांग की थी, आज छुट्टी थी लेकिन आज छुट्टी है, आज गुरु नानक जयंती की छुट्टी है आज सबकी। तो मैं स्कूल नहीं गया और स्वांग की एक्स्ट्रा क्लासेस थी तो स्कूल गया 9 बजे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबकी गुल्लक रखी है, मेरी स्वांग की और दादा की। तो भाई आज एक गुल्लक फोड़ देंगे। हाँ मैं अपनी वाली फोड़ के देखूंगा कि कितने पैसे निकलेंगे इसमें से। लेकिन फिर पैसे खर्चा नहीं करेंगे। हाँ खर्चा नहीं करेंगे, दूसरे गुल्लक फिर से लाएंगे, उसमें उसमें फिर से वही पैसे डाल देंगे। और ये गुल्लक बहुत भारी है क्योंकि इसमें बहुत से सिक्के रखे हैं। और एक और गुल्लक है मम्मी दे रही है, तीन गुल्लक हैं गाइस। ये देखिए, ये देखिए तीन गुल्लक है। तो ये भरी वाली गुल्लक है और खाली वाली रखी है। और खाली खाली वाली इन सेफ के अंदर रखी है, इस सेफ के खाली नहीं है, मतलब ये भर चुकी है तो उनमें हम लोग और पैसे डालते हैं। हाँ और इस इन सब में नाम भी लिखा है, अभी मैं पढ़ के बताता हूँ ये किसकी गुल्लक है। कृष्णा गुप्ता, शिवांग गुप्ता, अर्पित गुप्ता, ये नाम तो इसमें दिखाई दे रहा है। तुम देखो, मुझे अपने अपने वाले का नाम दिखाई दे रहा है, जो सबसे हल्की है वो मेरी है। गाइस सबसे भारी गुल्लक मेरी है क्योंकि इसके अंदर चिल्लर ज्यादा है। ये कृष्णा, ये है कृष्णा। मम्मी बता रही है मेरी कौन सी, ये मेरी है, ये अंशुमान की है। भाई आपको आवाज सुनाते देखिएगा, रेचकारी ज्यादा है, चिल्लर ज्यादा है गाइस। गाइस मैं अपनी वाली आज फोड़ दूंगा, मुझको लगा गाइस लग गई, अपनी वाली मैं फोड़ूंगा। अभी मम्मी मार्केट जाएंगी तो वहाँ से एक गुल्लक खरीद के लाएंगी तो उसी में सारे पैसे डाल देंगे। गाइस कृष्णा का चड्डा, गाइस मेरा चड्डा नहीं है, ये देखिए कितना छोटा चड्डा है, ये अर्पित तुम्हारा है। अल्ले गाइस कृष्णा की हो गई। दादा का ये देखो गाइस, मेरे छठी के कपड़े, ये छठी के कपड़े हैं इनके जो कि मेरे छठे साल भी ना है। दादी के छठे, दादा के छठे के कपड़े हैं, लो दिखा, छठे हुए कपड़े हैं ये देखो, छठे के। अरे मेरे हाथ में गुल्लक है, लो मैं दिखा गाइस। ये देखिए मेरी टी शर्ट, देखिए मेरे हाथ भर की भी नहीं रही जरा से थे तो। गाइस इस दीवान के अंदर से हमने देखिए इतने सारा कपड़े का पहाड़ बना दिया। अब एक दुकान खोल सकते हैं हम लोग, एक दुकान खोल सकते हैं हम लोग। और इसमें बहुत सारा सामान था और दूसरी तरफ भी सामान है जिस तरफ दादा अपना वजन डाल के बैठता है, उस तरफ वाला भी खुल सकता है। तो अभी इसमें से जाड़े के कपड़े निकाल लिए हैं, अब इसके उसको थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे। डैडी के भी गर्म वाले कपड़े, और ये डैडी का है, वो भी ये डैडी का है तुम्हारे, ये डैडी का है, डैडी का भी छठी का है, अरे ये डैडी का है इनके छठी का, छठी का गाइस। अब तो छठे साल भी ना इनको, मम्मी को सबका पता है कि ये छठी का है, नवी का है। तो गाइस अब जब दीवान बंद करेंगे तो आपको दिखाते हैं। डैडी वाला दादी ने बताया गाइस, अभी दीवान बंद नहीं हुआ है, मम्मी अपना सामान वामान रख रही है और कृष्णा को गुल्लक फोड़ने की फिल्म मची है। गाइस मैं अपनी गुल्लक बाहर ले आया हूँ यहाँ कमरे में, अभी मैं यहाँ पे अपनी गुल्लक फोड़ देता हूँ। अभी तक नई गुल्लक नहीं आई है गाइस, तो ये पैसे भी पन्नी में रखेंगे। मैं अपनी गुल्लक फोड़ देता हूँ, देखते की कितने करोड़ रूपए निकलेंगे, करोड़ नहीं तो अरब निकल जाएंगे। मम्मी ने दीवान बंद कर दिया, मम्मी ने दीवान बंद कर दिया, बाहुबली बन गई मम्मी। गाइस अरे गाइस ने छींक दिया फोड़ने से पहले, तो मैं सोच रहा मैं ही उठा लूं। गाइस मैं फोड़ता हूं, मम्मी देख लो मैं फोड़ने जा रहा हूं अपनी मेहनत की कमाई, रिश्तेदारों के दिए हुए पैसे। गाइस मैं फोड़ने जा रहा हूं, वन
एक बार में फूटेगी नहीं, हम दो तीन बार पटका कैसे फूट जाएगी। 1 2 3 4 गई ऐसे गए ऊपर छोड़ो आराम से। नहीं हथौड़ा लाओ, हाँ प्लास तो है। अरे ऐसे मारो। अरे यार अरे गुल्लक नहीं, पता नहीं क्या हो गया ऊपर। किसकी चोंच तोड़ दो, चोंच तोड़ दो, चोंच तोड़ दो इसकी। नहीं हम भी सब फोड़ेंगे। नहीं चोंच तोड़ो, चोंच ऐसे मार मार के, मारो मार ऐसे नहीं, साइड साइड खड़ी करके, खड़ी करो, खड़ी करके मारो, गुल्लक टेढ़ी करो ऐसे। हां टेढ़ी करके गाइस, मजबूत बहुत है गुल्लक ये। मारो कस के, कस के। अरे अरे बहुत मजबूत ही है। पहले तो 100 की नोट और एक 10 की नोट निकली, अब सारी नोट निकाल लेते हैं। 500 की, इतने ज्यादा पैसे। 500 की चिल्लर कितने भाई? 500 की कम है। ओ भाई मेरे पैसे। गाइस पूरी गुल्लक खाली हो चुकी है और यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने ज्यादा पैसे आ गए। ये देखिए, ये देखिए कितने ज्यादा पैसे है, सारी नोटे नोटे और कुछ यहाँ पे चिल्लर भी है। नहीं, तो गाइस मैं कुछ ज्यादा नहीं लूंगा, खाली मैं ये ले लेता हूँ। नहीं नहीं 500 की नोट है। अब गाइस मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। सो गाइस इनके पास सारे पैसे मिला के कुछ 3000 के लगभग है। 3000 के लगभग है। अरे कुछ 10-20 रुपए ज्यादा होंगे, इतने चिल्लर निकले हैं ये। और ये इतने चिल्लर जो है ये वाले छोटे वाले सिक्के जो कि बंद हो चुके, जो नहीं चलते हैं। अच्छा ये गाइस सिक्के भारी हैं, 3000 रुपए हैं बस। इन गुल्लक खोल ली अपनी इच्छी खाती भरी रखी थी। सौ की नोट इधर रखी है। इसका मुंह गायब हो गया बेचारा का, खाना कैसे खाएगा। अब नई गुल्लक लाएंगे उसमें सारे पैसे डाल देंगे। मैं अमीर हो गया, मैं बस 3000 रुपए उसमें पड़े थे, इसमें भी है। गाइस मैंने अपनी गुल्लक नहीं फोड़ी, 60-70 हजार रुपए निकल आएंगे। 60-70 हजार ना तो लीजिएगा, सिक्के ले लीजिए, ज्यादा नहीं निकलेंगे ये लिए। सो गाइस अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ क्योंकि कपड़े बदल लिए ना, तो आप लोगों को लग रहा है टी शर्ट कैसे बदल गई। तो यहाँ पर इस कमरे में पूरा धुआं ही धुआं हो गया है, दिख रहा होगा आपको धुआं धुआं, आंखें में आंसू भरे क्योंकि यहाँ पर अंडे की ट्रे जलाई है। यहाँ पर मच्छर इतने हैं इस कमरे में, इस कमरे में मतलब यहाँ मच्छर हैं कुछ ज्यादा क्योंकि घर के पीछे मलेट्री है ना, दिखाते हैं ये मिलिट्री है, जैसे मच्छर अच्छा बहुत आ जाते वही क्या, नहीं कोई नहीं है, मच्छर आ जाते तो अंडे ट्रे जला दिए तो कहते हैं कि अंडे ट्रे से मच्छर नहीं आते हैं, जला दो तो फिर मोर्टीन और अलाउट ये सब काम ही नहीं करता। तो अंडे ट्रे जला के हम लोग बाहर आ गए, कुंडी लगा दी और अपना कछुआ बाहर निकाल लिया है। ये कछुआ, कछुए को थोड़ा टहला लेते हैं। तो गाइस अभी कछुए को बाहर निकाल दिया इसके जार में से, तो टहले जा रहा है। कहाँ जा रहा है रे, कहाँ जा रहा है, क्या बात। अरे इसको बहुत देर टहला लिया, ब्लॉग थोड़ी देर में चलो, क्या उठा लिया है इसको, धुल देते हैं इसके बाद इसको वापस से इसी उसमें डाल देंगे। धुल दिया इसको और इसका पानी बदल दिया था, डाल दिया पानी में। गाइस कृष्णा अब अपना दांत तोड़ने आ रहे हैं, मैंने क्या घूसा मार दिया, दांत आ गया। गाइस घूसा नहीं आ रहा लेकिन ये दांत टूट गया। तोड़ तोड़ पकड़ पकड़, बहुत दांत हो रहा है, पकड़ साले, खींच 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 खींच। अब ये जैसे एक दांत 20 से टूट गया है और फिर वहां से जहां से उगता है वहां से भी टूटा है, दो जगह से टूटा है। गाइस ये नहीं निकल पा रहा, मैं प्लास लाऊं क्या? नहीं नहीं अभी निकालना, ऐसे पकड़ो खींच दो, खून निकल रहा है, तोड़ है जल्दी। अब तोड़ना पड़ेगा, मैंने ब्लॉग चालू कर लिया, अब तोड़ना पड़ेगा। आई वॉइस ऑफ गाइस ये मेरा दांत और यहां है खून का, गाइस दांत इसने तोड़ा, दर्द मेरे होने का। कैसा लगी, कैसी लगी, कैसी लगी, इस ट्रैक तो नहीं आएगा खून, खून दिखाए वो दिखाओ, दांत नहीं दांत दिखा, आओ गड़ा देते हैं, आओ
अब इनका दांत पेड़ में गमले में गड़ा देते हैं। आ रे देवा, आओ रे देवा, इसके अंदर से भी निकलेगा। अरे आओ, गिर गया क्या? गाइस इन्होंने अपना दांत वॉशबेसिन में गिरा दिया। अब क्या करें, अब देखते हैं निकल आए, पानी चलाया है। बस मेरा दांत तो है ये, अभी मैं इसको गिरा के गमले में गड़ा लूंगा और यहाँ से खून निकल रहा है ना, तो चीनी खा लेते, मम्मी खिला रही है। चीनी तो खा ली है, ये रहा मेरा दांत, अब इसको मैं गड़ा देता हूँ। यहाँ पे ये बहुत सारे गमले हैं, इनमें से सबसे बड़े वाले में मैं गड़ा देता हूँ, उधर है तो अभी गड़ा देते। सो गाइस इधर थोड़ा अंधेरा आ रहा है और अभी मैं ये बड़े वाले गमले में इसको गड़ा दे रहा हूँ मैं दांत, याद रहेगा, वीडियो में बना दिया। यहाँ पे गड़ा देता हूँ, इसको अंदर डालता हूँ, ये दांत है इसको अंदर दबाते हैं, ये दबा दिया। अब इसके ऊपर से मिट्टी डाल लेते हैं, अब ये गए अंदर, अब मेरे हाथ गंदे हो गए, तो यहाँ पे है नल, तो मैं इसमें से धुल लेता हूँ। सो गाइज अभी मैंने अपना दांत गड़ा के आ चुका हूँ और अब मैं चलता हूँ अंदर। सो गाइज मम्मी के साथ हम लोग वहाँ मार्केट गए थे, तो ये गुल्लक लाए थे दो, एक इस साइड रखी है और एक ये रखी है, मतलब इसको पेंट नहीं है पक्की, वरना मम्मी ने पूछा तो कच्ची गुल्लक तो नहीं है, क्योंकि ऐसी लग रही है कि पक्की नहीं है मिट्टी वाली। लेकिन अब कृष्णा के पास जितने टूटे पैसे थे, मतलब कि कुल मिला 3,000 थे, तो इन्होंने मम्मी से 500 की 3,000 जो कितनी नोटे 6 नोटे ले लिए, तो इनके पास टोटल 3,000 हो गए हैं, है ना? हाँ, 3,000 हो गए। तो अब टूटे पैसे मम्मी ने ले लिए, इनको बड़ी बड़ी नोटे दे दी, अभी अपने गुल्लक में डाल लेंगे इधर। और गाइस ये जो ये वाली 50 की नोट है, ये बहुत कम चलती है, तो अभी मैं इसको जोड़ के रख लूंगा। वैसे चलती तो है लेकिन लोगों के पास कम होती है। चलो वो वाली पहले गुल्लक में सारे पैसे डाल दो। ये मेरे पास है 3,000, एक एक करके डालता हूँ। ये गई मेरी पहली नोट, मैं हर रोज में पैसे डाले करूंगा, चाहे 10-15 ही डालू लेकिन डाला करूंगा। ये गई मेरी एक नोट और ये है गाइस, ये मेरा डायलॉग कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो पहले बता दी ना, क्योंकि ये एक गुल्लक मैं भी लाया हूँ जो कि नीचे रखूंगा, इसके ऊपर मैंने डल लिख दिया है अर्पित गुप्ता ब्लॉग, आपको शायद दिखाई पड़ रहा हो, हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा है, ब्लू पेन से लिखा है, ब्लू इसका से लिखा है, तो इसके अंदर भले ओ लग गई उंगली में, भले 10 रुपये डालू लेकिन 10 रुपये डेली पैसे पड़ेंगे। आज मम्मी से 100 रुपये लेके डाल दिए इसके अंदर, और कुछ कंकड़ भी पड़ा इसके अंदर, डेली 10 रुपये डालूंगा, डेली ब्लॉग में दिखाऊंगा, भले 10 रुपये डालू, 5 रुपये डालू, 20 रुपये डालू, 10 रुपये से ज्यादा ही डालूंगा, डेली आपको दिखाऊंगा डालते हुए। अब मेरी गुल्लक नहीं लाए, तुम्हारी गुल्लक, दो गुल्लक है मेरी कहाँ है? गाइस इनके लिए गुल्लक लाना भूल गए, वैसे हम तीनों की एक एक गुल्लक भर चुकी है, जिनमें से किसी ने गुल्लक फोड़ दी थी उसके लिए नहीं आ गई, और दो गुल्लकें भरी रखी हैं, एक शिवांग की है एक मेरी है, और हम लोगों की 3 गुल्लकें चल रही हैं, मतलब डेली उसमें जब कोई पैसे दे जाते तो डाल लेते हैं। चलो पैसे डाल फटाफट, और ये मैं 500 और मैं इसमें डाल, तुम डालते रहना आराम से, लेकिन मैं इसमें डेली पैसे डालूंगा। सो अब मैं लॉग इन करता हूँ, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।